जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका अपने YouTube चैनल मैथ्स बोल्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आइए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है क्यूब रूट्स। आज हम क्यूब रूट्स को निकालने के ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर से, मेरा कहने का मतलब है एक परफेक्ट क्यूब नंबर अगर हमें दिया हो तो हम कैसे उसका क्यूब रूट मात्र 3 से 4 सेकंड में हम निकाल सकते हैं। जी हाँ, मात्र 3 से 4 सेकंड में। तो दोस्तों, आइए आज हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अपने इस नए टॉपिक पर। सबसे पहले मैं एक बेसिक सी बात बताना चाहूंगा कि कोई भी नंबर हम कैसे कह सकते हैं कि यह हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो उसका एक थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में फिर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मुझे कहना है कि कोई नंबर आपका परफेक्ट क्यूब है, तो मैं कैसे बोलूंगा। मान लीजिए मैं बात करता हूं, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है कब, जब, जैसे मान लीजिए 6 × 6 × 6, इसकी वैल्यू होती है 216। तो 216 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हुआ, किसका, 6 का। मतलब कोई भी नंबर, कोई एक ऐसा नंबर जिसको कि 3 बार उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो एक नंबर हमारा जो बन के आता है वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि आप 8 को ले लीजिए, 8 × 8 × 8, इसकी वैल्यू आती है 512। तो 512 भी हमारा जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर हुआ 8 का, क्योंकि इसमें 8 × 8 × 8 ये हमारा 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अब चलिए ये तो बात होगी परफेक्ट क्यूब हमें कैसे पता करना है, ये उसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे क्यूब रूट निकालने का एक परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए। एग्जाम में बेसिकली हमसे परफेक्ट क्यूब नंबर ही दिया रहता है, हमसे नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं दिया रहता है। और इसका आपका इम्प्लीकेशन जो है, जो इसका जो एप्लीकेशन है, ये बैंक में, SSC में आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह वाले क्वेश्चन में ज्यादा पूछता है, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में। आइए तो फिर बिना कोई वक्त जाया किए हम आगे अपना इस टॉपिक पर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान जो है वो इस टेबल पे आपका दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप 1 से लेकर 20 तक के जो क्यूब्स हैं आप उसको अपने फिंगर टिप्स पे आप रट लीजिए, बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। आपसे कोई भी कभी भी पूछे आपको वो याद रहे। ठीक, आइए अब मैं देखता हूं 1 से लेकर 9 तक के क्यूब के बारे में, क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए इस टेबल का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, इसी तरह आपका 9 का क्यूब हो गया 729। ठीक, ये टेबल लिखने के पीछे मेरा मकसद क्या है, वो ये है, आप एक सिंपल सा आप लॉजिक आप याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं, बस आप उतना आप बात को आप ध्यान रख लीजिए। अगर 2 है तो 8 होगा, और अगर 3 है तो 7 होगा। ठीक उसी तरह अगर 8 है तो 2 होगा, 7 है तो 3 होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप पहले मेरी बात को आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्या मैं बोल रहा था, अगर 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, अगर 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। ठीक, ये चीज मेरा कहने का मतलब क्या था कि 1 से लेकर 9 तक में आपका ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 आता है और 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 आता है। उसी तरह आप देखेंगे कि जैसे 3 में आपका 7 आ रहा है, उस तरह 7 के क्यूब में आपका 3 आएगा, जस्ट आपका रिवर्स होता है। उसी तरह 2 के क्यूब में 8 आ रहा है तो 8 के क्यूब में आपका 2 आएगा, जस्ट रिवर्स होता है। ये 2 और 8, 3 और 7 के केस में ही फॉलो होता है बस। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर हैं, जैसे 1 में आपका 1 आता है, 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है और 9 में 9 आता है। मतलब इन नंबर्स के अलावा बाकी आपके जो भी नंबर्स दिए हैं उनका यूनिट डिजिट उनके क्यूब का सेम वो नंबर खुद ही आता है। ठीक,
से वो नंबर ही आता है। ठीक, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं अपने क्यूब रूट को निकालने के ट्रिक्स के बारे में। ठीक, आइए मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मैं बोलता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 9411192। मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें बच्चों, इसमें हम अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच करने का इसका बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। करना क्या है कि हमें तीन तीन के पेयर्स लेने हैं, मतलब हम इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ, मतलब फ्रॉम द राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और हम इसमें तीन तीन का हम पेयर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये पीछे वाले को देखेंगे। पीछे वाले में इसका पेयर लेने का हमको मतलब है, बस इसके यूनिट डिजिट से हमें बस इसका यूनिट डिजिट देखना है। ठीक, तो टू आया, तो टू टू का मतलब मैंने क्या बताया, एट। तो यूनिट डिजिट आपका हो गया एट। टू का मतलब क्या होता है, एट। एट का मतलब टू होता है, मैंने बताया था। तो टू का मतलब हो गया एट, ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। अब बात आती है टेंस डिजिट निकालने की। तो टेंस डिजिट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक पेयर है 192 का, ठीक है, और दूसरा पेयर है हमारा 941 का। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये देखिए, टेंस डिजिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा ये रिमेनिंग नंबर जो बच रहा है 941, हमें अब ये देखना है कि ये इस टेबल में किन दो क्यूब के नंबर के बीच में आता है। तो 941 हमारा जो है, हम अगर टेबल देखते हैं तो 941 आता है हमारा 729 और 1000 के बीच में, मतलब 9 क्यूब एंड 10 क्यूब के बीच में आता है। ठीक, जो 941 हुआ हमारा, ये हमारा 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आता है। ठीक, तो हमेशा मैंने स्क्वायर रूट में भी आपको बताया है कि हमेशा हम हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं। ठीक, इन केसेस में हमेशा हम स्मॉलेस्ट नंबर को लेंगे, चाहे स्क्वायर रूट की बात हो चाहे क्यूब रूट की बात हो। तो यहाँ पे भी हमेशा हम स्मॉलेस्ट नंबर को ही लेंगे। तो हमारा टेंस डिजिट क्या आ गया, 9। तो ये हो गया है हमारा क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर। ये था बच्चों सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट क्यूब रूट निकालने के लिए। अभी आपको ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये खुद ही आपका ये एक मुश्किल से कुछ समय में सॉल्व हो जाएगा। आइए फिर और मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं आपको। मान लीजिए मैं बात करता हूं 6859। ठीक, अब लगाओ, ट्रिक लगाओ इसमें, क्या करना है, तीन का हमें पेयर बनाना है। ठीक है, ये तीन का पेयर और इसके बाद रिमेनिंग जो बचा। ठीक है, तो 9 में क्या हो जाएगा, 9 में 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच गया आपका 6। तो 6 आपका किन दो क्यूब्स के बीच में आता है? ये आता है आपका 1 के क्यूब के बीच में और आपका 2 के क्यूब के बीच में। ठीक, तो मैंने बोला है कि हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को लेना है, तो क्या हो जाएगा टेंथ डिजिट, 1। तो 19 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, बस ध्यान रखे रहे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, 2 आएगा तो 8 होगा, 8 आएगा तो 2 होगा, उसी तरह 3 आएगा तो 7 होगा, 7 आएगा तो 3 होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर इनके अलावा दिखे तो वो नंबर एज इट इज ही रहेगा। ठीक, और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं 50653। ठीक, तो फिर से वही अप्रोच लगाते हैं, तीन का पेयर बना लीजिए, ये तीन और ये बचा हुआ कितना, 50। ठीक, तो फिलहाल हम पहले इससे मतलब रखते हैं, यूनिट डिजिट क्या है इसका, 3। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 है तो 7 आ जाएगा। ठीक, यूनिट डिजिट की बात खत्म। अब बच गया हमारा 50, हमें निकालना है टेंस डिजिट। तो अब 50 को देखें, 50 हमारा किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 27 और 64 के बीच में। ठीक है ना, 50 हमारा 27 और 64 के बीच में आएगा, मतलब 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में आएगा। तो छोटा वाला लेना है, मतलब 3 लेना है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 37। समझ में आ गया आपको? ये देखिए कितने जल्दी सॉल्व हो गया है ना,
मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये हार्डली 4 to 5 seconds की बात है। और क्वेश्चन देखते हैं अब, थोड़ा एक बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं ताकि आपका इससे डर ही पूरा खत्म हो जाए। मान लीजिए मैं लेता हूं एक नंबर 300763, ये आपका एक 6 digit नंबर है। दोस्तों बैंक्स के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली दिखते रहेंगे, इसलिए आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप बिल्कुल भी आप फ्लोएबल हो जाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो फिर से फंडा लगाते हैं। मैंने बोला है कि 3 का पेयर बनाना है, 3 ये और बच गया हमारा ये 3, ठीक। तो अब इसमें आप यूनिट डिजिट देखिए, ये क्या है, 3 का मैंने क्या बोला है, 3 का हो जाएगा 7, है ना। तो ये आपका हो गया यूनिट डिजिट हो गया। अब बात करते हैं हम टेंस डिजिट के लिए, तो 300 हमारा ये जो बच रहा है ये इस टेबल में देखिए, 300 हमारा किन 2 क्यूब्स के बीच में आ रहा है, तो 300 हमारा आ रहा है 6 क्यूब और 7 क्यूब के बीच में, है कि नहीं। 216 और 343 के बीच में आ रहा है 300, तो छोटे वाले नंबर को लेना है, तो दिस इज 67। तो ये आ गया हमारा इस नंबर का क्यूब रूट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन क्यूब रूट ट्रिक्स, मतलब जिससे हम किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकालना है ये मैं आपको अपने अगले सेशन में बताऊंगा। और अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं जिसमें मैंने क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर या फिर नॉन परफेक्ट नंबर के बारे में बताया हुआ है, तो आप प्लीज उन वीडियोस को जाकर के आप जरूर देखिए। आशा करता हूँ आपको आज का मेरा सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं इसी तरह के मैं नॉलेजेबल वीडियोस में आगे और बनाता रहूंगा, मैथ से रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स होंगी, चाहे जितने भी क्वेश्चंस हो वो बैंक या एसएससी से पूछते हो, मैं सारे आपके टॉपिक्स में स्टेप बाय स्टेप में कवर करवाते जाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।